हमारी परागिनी, हम अपने उद्देश्य के लिए रूपनगर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई पथ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी युवराज। हम विजयगढ़ के युवराज हैं, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह। परंतु तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? एक बार इसे अतिथि का स्थान दिया था, इसलिए रक्त का घूंट पी गई। लेकिन इसे कहो मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। हम जानते हैं तुम कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह की बात कर रही हो। वो अभी तक खुद को युवराज समझता है। वही एक ऐसा बंदी है जो अभी तक टूटा नहीं है, किंतु एक दिन उसे भी हमारे चरणों में गिरकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। कलावती जी को आपसे प्रेम हो गया है। रणवीर सिंह में इतनी साहस, इतनी शक्ति नहीं कि वो महाराज या महामंत्री के सामने अपने नेत्र भी उठा सके। इस महल में आपके मित्र कम है और शत्रु ज्यादा। हम चलते हैं। मंत्रीवर रणवीर सिंह, मंत्रीवर, नागराज का प्रणाम। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही मेरे अन्नदाता हैं। अन्यथा आपको पीछे से देखकर एक बार को तो मुझे स्वप्न देखने जैसा भ्रम हो गया था। सबको स्वप्न से जगाने ही तो हम महल लौटे हैं नागराज। हमें देखने के बाद इस महल के सारे अधिकारी अपनी नींद से जाग खड़े होंगे, किंतु नागराज, हमें देखने के पश्चात तुम्हें कैसा लगा? मंत्रीवर, यदि मेरे पास अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द होते तो मैं अवश्य कर देता, अवश्य। बस यूं समझ लीजिए कि आपको इस महल में सुरक्षित देखकर सेवक के तो जैसे प्राण ही वापस लौट आए हैं। यदि तुम ये बात सत्य कह रहे हो तो हम बहुत प्रसन्न हैं, किंतु यदि तुमने मन में छल कपट रखकर ये बात कही होगी तो इतना याद रखना नागराज, बचपन से ही हमें विषैले सांपों के फन कुचलने का शौक रहा है, और जंगल में तपने के बाद ये शौक अब आदत में बदल गया है। मंत्रीवर, यदि मैं अपने मन को चीर कर दिखा सकता तो विश्वास कीजिए, इस मन में आप ही की मूरत बसी मिलती थी। भगवान पर तो मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, किंतु अब तो मुझे आपके रूप में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। मंत्रीवर, स्वामी भक्त बने रहोगे तो सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी नागराज, लेकिन क्या तुम्हारी तरह और भी बाशिंदे हमें इतने ही आदर से याद करते हैं जितना आदर तुमने हमें दिया है? औरों का तो मैं बता नहीं सकता मंत्रीवर, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी का हाल अवश्य बता सकता हूँ। मंत्रीवर, जब से आप गए हैं ना, राजकुमारी जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हैं। वो सदा गुमसुम सी रहती है, न जाने किन विचारों में खोई खोई सी रहती है। खोई खोई सी रहती है? हाँ मंत्रीवर, राजकुमारी जी ने तो अपने ही महल में स्वयं को जैसे बंदी बना लिया है। वो सदा अपने ही कक्ष में रहती है, ना किसी से मिलती है और ना ही किसी से बात करती है। किंतु इसका क्या कारण है कि वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती है? कारण कदाचित महामहिम राजवीर सिंह हो सकते हैं मंत्रीवर। उनकी कार्य पद्धति से इस महल में कोई प्रसन्न नहीं है, कोई नहीं। हम सब लोग स्वयं भी अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब आप आ गए हैं तो हमारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। अब इस सेवक के लिए कोई कार्य हो तो बताइए, आपकी सहायता करके मेरा जीवन तो धन्य ही हो जाएगा। वक्त आने पर कार्य भी बताएंगे नागराज, किंतु अभी तुम अपने विषैली फन की दिशा
हमारे शत्रुओं के नेत्रों की ओर बनाए रखो। अभी हमारे पास वक्त कम है, 2 घड़ी पश्चात हमारे कक्ष में आकर मिलना। जो आ गया। नागराज, ये सपोला बिल में वापस कैसे आ गया? कैसे? कदाचित मंत्रीवर महामहिम वीरेंद्र सिंह के कक्ष की ओर जा रहे हैं। अब क्या होगा? इस महल में छाई हुई ये डरावनी खामोशी ये संकेत दे रही है कि इस महल में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। महामंत्री जी को रणवीर सिंह का प्रणाम। रणवीर सिंह? समझ में नहीं आता, आप हमें देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं या फिर आपके पैरों तले से धरती खिसक गई है? नहीं रणवीर सिंह, नहीं, तुम्हारी आयु तो पूरे 100 वर्षों की है। अभी अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे, तुम्हारी कमी हमारे हृदय में हम कोने कोने में महसूस कर रहे थे। अभी अगर तुम आने में थोड़ी भी देर और कर देते तो हम स्वयं महाराज के पास जाते और तुम्हें गाजे बाजे के साथ महल में वापस लाने की प्रार्थना करते, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने हमारी पहले ही सुन ली। सच कहते हैं रणवीर, तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, बिल्कुल अकेले। ये क्या बात है? हमारे बिना इस महल में हर आदमी स्वयं को अकेला क्यों महसूस कर रहा है? लगता है कोई हमारे साथ महाषड्यंत्र खेला जा रहा है, किंतु महल के ये मूर्ख नहीं जानते जंगल की राख छानकर रणवीर के पंजे अब और भी नुकीले हो गए हैं। इसके पंख हमने काट दिए थे, वो गिद्ध कैसे उड़कर वापस लौट आया? कैसे? क्या सोच रहे हो मंत्रीवर? बड़े लंबे समय के पश्चात लौटे हो तो इसलिए महल की दीवारें कहीं तुम्हें पराई तो नहीं लग रही है? महल की ये दीवारें हमें पराई नहीं अपितु पहले से निर्बल सी लग रही हैं। जब तक महल की बागडोर हमारे इन मजबूत हाथों में थी, तब तक महल की रौनक पर सबकी दृष्टि जमी रहती थी, किंतु अब हमें ये महल किसी शमशान की भांति प्रतीत होता है। हम महल की बागडोर अपने हाथों में लेंगे और महल की खोई हुई रौनक वापस लौटाएंगे। यही संकल्प लेकर हम महल लौट आए हैं। तुमने तो हमारे मुंह के सब चुरा लिए हैं रणवीर। हम सच कहते हैं, महाराज सुरेंद्र सिंह का आदेश नहीं होता तो हम तुम्हें सीमा के उस पार कभी नहीं भेजते, किंतु अब हम महाराज के पास स्वयं जाएंगे और गर्व से कहेंगे कि रणवीर सिंह, हमारा रणवीर लौट आया है। यदि ये आपका पछतावा है महामंत्री जी, तो हम अपने साथ हुए छल को भूल जाएंगे, किंतु यदि ये कोई चाल है तो आप मकड़े की तरह अपने ही जाल में फंसकर छटपटाते रहेंगे। तुम हमें अपना मित्र समझते हो या शत्रु? राजनीति में कोई किसी का सच्चा मित्र नहीं होता महामंत्री जी। सबके सब उस मगरमच्छ की भांति मुंह खोले स्वामी भक्ति का राग अलापते रहते हैं, किंतु जैसे ही ताव लगता है अपने ही मित्र को जबड़े में कुचलकर समाप्त कर देते हैं। अब आप बताइए, आप हमारे पथ में बाधक बनेंगे या फिर हमारे पथ के कंकर दूर फेंकेंगे? अगर बाधक बन जाओ तो क्या कर लोगे? तो हम आपके षड्यंत्रों की गूंज महाराज के कानों तक पहुँचा देंगे, जो आपने हमारे साथ मिलकर स्वयं उनके विरुद्ध रचे थे। और हमने सुना है महाराजा आस्तीन के सांपों को तड़पा तड़पा कर कुचल देते हैं। रणवीर सिंह, तो तुम हमें हमारे गुप्त रहस्य के उगलने की धमकी दे रहे हो? अरे हमने बहुत से नाग देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नाग नहीं देखा जो स्वयं को काटने को तैयार बैठा है। लेकिन ये मत भूलो कि हमारे षड्यंत्रों को उजागर करके तुम्हारी गर्दन महाराज की तलवार से बच जाएगी। हमें कोई भय नहीं है, सीमा के उस पार प्रतिदिन मरने से अच्छा है हम एक ही झटके में अपना शीश कटा दें। इतना याद रखिए, ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। भूचाल के आने से पहले जाग जाइए महामंत्री जी, और हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश ना करना, अन्यथा हमारा आमना सामना अति शीघ्र होगा। अब निर्णय आपके हाथों में है। प्रणाम। मंत्रीवर, आप
मैं महामहिम को आपके महल में लौटने का शुभ समाचार सुना ही रहा था कि आप आ गए। आइए मंत्रीवर, आइए। हमारे महल लौटने का समाचार सुनकर तुम दुखी तो बहुत हुए होगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपके आने से हमें क्या कष्ट हो सकता है? आप हमारे शत्रु नहीं हैं, आप हमारे मित्र रह चुके हैं। भला आपसे हमारा क्या बैर हो सकता है? हाँ मंत्रीवर, महामहिम एकदम सत्य कह रहे हैं। आपके आने का समाचार सुनकर उन्हें अति प्रसन्नता हुई है। भागराज, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही तुम भी अपने रंग बदलने का प्रयत्न तो बहुत करते हो, किंतु दुख है, पकड़े जाते हो। महल में चल रहे हर षड्यंत्र पर हमारी दृष्टि जमी रहती है। यदि तुमने अपनी चतुराई बंद नहीं की तो समझो इस दुनिया से तुम्हारा दाना पानी उठ गया। क्षमा करना मंत्रीवर, मेरी सच्चाई और स्वामी भक्ति पर संदेह मत कीजिए। मैं तो पहले भी आप ही का सेवक था और आज भी आप ही का सेवक हूँ अन्नदाता। फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मुझ पर उंगली उठा दी? बंद करो अपना ये नाटक। हमने तुम्हें दूध पिलाकर पाला है नागराज, इसलिए तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। और राजवीर सिंह, कभी हमारा नाम तुम्हारे मुख से एक मित्र की तरह निकला करता था, किंतु महल में पद पाते ही लालच कर बैठे और हमें शत्रु बना लिया। याद रखना, यदि हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। मेरा भरोसा करो रणवीर सिंह, मेरे मन में आज भी आपके लिए वही आदर है जो इस पद पे आने से पूर्व था। पद में अवश्य आपसे बड़ा हूं, किंतु कद में आज भी आपसे नीचे हूं। यदि ये सत्य है तो फिर शीघ्र संभल जाओ। महल के चापलूसों की मीठी मीठी बातों में मत उलझना, अन्यथा जिस तरह गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उसी प्रकार तुम भी पिस जाओगे। सरगल, सरगल। चलिए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम पीछे के द्वार से जाते हैं। बिल्ली? हाँ। न्यू? हाँ। कहाँ है बिल्ली? हमें बिल्ली बहुत पसंद है, कहाँ है? हाँ? कलावती। देखा चंगू मोगू, जब भी बिल्ली रास्ता काटती है ना तो कलावती नजर आती है। तुम दोनों यही ठहरो, हाँ? हम कलावती के पास जाकर क्षमा मांग के आते हैं। किस बात के लिए सरकार? तुम दोनों भूल गए, तुम दोनों हमें कहा था कि वो हमें कक्ष में मिलने आई थी और हम कक्ष में पड़े पड़े सो रहे थे, इसलिए हम उन्हें उनके प्रेम निवेदन के लिए धन्यवाद देंगे। तुम लोग यही थे। चंदू, अब तुम मारे गए, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। कलावती जी, कलावती जी, कलावती जी, तुम हमें मिलने हमारे कक्ष में आई थी ना, और हम तुम्हें मिल ना सके, इसलिए क्षमा कर दीजिए ना। क्या कहा? हम तुमसे मिलने तुम्हारे कक्ष में आए थे? ये किसने कह दिया तुमसे? हम सब जानते हैं, सब जानते हैं हम, क्योंकि इस महल में हमारे गुप्तचर चारों ओर फैले हुए हैं, और ये गुप्तचर तुम पर भी दृष्टि रखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई मन चला तुमसे छेड़छाड़ ना कर सके। हाँ, तो इस मूर्ख को चंगू मंगू ने बहकाया है। ये मस्करी तो उन दोनों कबूतरों की ही हो सकती है। कलावती जी, कलावती जी, कलावती जी, चुप क्यों हो गई? चंगू मंगू को सब बता दिया, हमसे बताने में लज्जा आ रही है? हमें लज्जा आती है? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो कह के नहीं, करके बताते। करके बताएंगे? अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो ना, हमें भी लज्जा आती है ना। अच्छा ठीक है। लगता है आज अपनी ग्रह दशा ठीक नहीं, पिटाई का शुभ अवसर आ ही गया। मगर क्यों? अरे क्योंकि सरकार के पत्थर जैसे गालों पर कलावती के हथौड़े जैसे तमाचे पड़ने वाले। सरकार से ऐसी कौन सी भूल हो गई? अरे सरकार से भूल नहीं, भूल तो हमसे हो गई।
अरे सरकार को खुश करने के लिए हमने उनसे झूठ बोला था कि कलावती जी उनसे मिलने उनके कक्ष में आई थी। अब देखना। सरकार जैसे ही अपना मुख खोलेंगे वैसे ही उनके गाल टमाटर जैसे लाल हो जाएंगे। आंखें नहीं खोलना। आंखें नहीं खोलना। अब आंखें बंद कर। आंखें क्यों बंद कर लो? अरे क्योंकि तू अपने सरकार को पिटता हुआ कैसे देख सकता है? दूस बंद करा के। सरकार सरकार आप जीवित हैं या मर गए? अरे चंगू सरकार बोल नहीं रहे, कहीं मर तो नहीं गए? सरकार को ही पूछते हैं। हाँ सरकार सरकार अगर आप जीवित हैं तो हाँ बोलिएगा और मर गए तो ना बोलिएगा। अरे मूर्ख मरा हुआ भला हाँ कैसे बोल सकता है? अपनी सरकार मर गए चंगू, सरकार मर गए, सरकार मर गए, अपने सरकार मर गए, अपने दुकान मर गए, चंगू अपने सरकार मर गए। अरे सरकार ऐसे थोड़ी मरेगा। अपने सरकार। अरे मूर्खो हम अभी जीवित हैं, देखो। आपको कलावती की याद आ रही है क्या? नहीं कलावती की नहीं, हमें कलावती के उन थप्पड़ों की याद आ रही है जो उसने हमारे मुखड़े पे बरसाए हैं, और ऐसे बरसाए जैसे हमारे मुखड़े पे गाल थे ही नहीं। सरकार अभी कलावती के बाल उखाड़ दूंगा, चलो कैसे बचकर जाती है देखते हैं। अरे नहीं नहीं चंगू, हो सकता है वो अपने सरकार की साहस की परीक्षा ले रही हो। परीक्षा? हाँ हाँ वो सोच रही हो हमारे सरकार दुर्बल है या बहादुर है, आखिर विवाह के पश्चात वो उनकी रक्षा कर सकते हैं कि नहीं। पहलवान। अरे वाह कलावती जी ने हमारे सरकार के गाल लाल करके क्या देखा? अब ये तो हमारे सरकार ही बताएंगे। वैसे सरकार कलावती के प्रेम का पहला घूट पी गए होंगे और सारी पीड़ा भूल गए होंगे, है ना सरकार? देखा मैंने कहा था ना हमारे सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ हम हैं सबसे शक्तिशाली, हमारी शक्ति का इस पूरे रूपनगर में कोई जोड़ नहीं है। सो तो है हुजूर, आप जैसा महाबली इस रूपनगर में तो क्या सारे संसार में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपने बल की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हम अपने बाहुबल की प्रशंसा करके ये बताना चाहते हैं कि हमारी वीरता ही हमारे लिए अभिशाप बन गई थी, हमें सीमा के उस पार दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दिया गया था जहां मनुष्य तो क्या पिशाच भी रहने से कांपते हैं। हमारा विश्वास करो कलावती, हमारा शौर्य और हमारी वीरता ही हमारे लिए षड्यंत्र का कारण बन गया था। हुजूर, मान लेते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपके साथ षड्यंत्र करके किसी को भला क्या प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप कोई युवराज या राजा महाराजा तो है नहीं। बात ये नहीं है कलावती, महल के लोग हमसे ईर्ष्या करते थे, राजकुमारी चंद्रमुखी का हमारे प्रति झुकाव उन्हें तनिक भी पसंद नहीं था। अच्छा तो राजकुमारी चंद्रमुखी तुम्हें पसंद करती थी?
और हमें पता ही नहीं चला। पता नहीं, ये बात तुम्हें कैसे पता नहीं चली? क्योंकि सारा महल जानता है कि राजकुमारी चंद्रमुखी हमें पसंद करती है, और हमारी यही प्रेम कहानी महामंत्री वीरेंद्र सिंह की छाती में किसी शूल की तरह छुप गई, और उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। वीरेंद्र सिंह को भला इससे क्या हानि हो सकती थी? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अपने पुत्र धुआं सिंह का विवाह राजकुमारी चंद्रमुखी से करने का स्वप्न पूरा करने के लिए महामंत्री वीरेंद्र सिंह ने हमें अपने पद से हटा दिया। राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह उस मूर्ख धुआं सिंह से? यदि ये बात राजकुमारी चंद्रमुखी के कानों तक पहुंची, तो वो गश्त खाकर गिर जाएंगी, कदाचित मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती है। सुकोमल राजकुमारी का भला उस मूर्ख धुआं सिंह से क्या मेल? कहां राजा भोज और कहां गंगूतेली? किंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है कलावती, क्योंकि राजकुमारी जी की रक्षा के लिए हम महल में वापस आ गए। उनका कोई भी शत्रु, वीरेंद्र सिंह, राजवीर या फिर वो नागराज, राजकुमारी जी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह हमारी प्रतिज्ञा है। जब से रणवीर सिंह इस महल में वापस लौटा है, हमारे चारों ओर अंधकार या अंधकार दिखाई पड़ता है। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई कार्य नहीं होगा। कुछ सोचो, कुछ ऐसी बुद्धि लड़ाओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। महामंत्री जी, हमने बहुत कुछ सोचा, परंतु कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। रणवीर की दी हुई चेतावनी अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। उसने साफ साफ कहा था कि वो महल की बागडोर थामने वापस आया है। यदि मंत्रीवर को महल की बागडोर वापस मिल गई, तो फिर मेरा क्या होगा? मंत्रीवर तो मुझसे पहले से रूठे हुए हैं। यदि उन्हें सत्ता मिल गई, फिर तो वो मेरा वध ही कर देंगे। महामंत्री जी, मुझे बचाइए, मैंने आपका नमक खाया है। घबराओ मत नागराज, रणवीर जैसों को वश में करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, किंतु हमारी ये इच्छा है कि हमारे षड्यंत्रों के बारे में उसे पता न चले, इसलिए हमें कूटनीति अपनानी पड़ेगी। कूटनीति? हाँ, कूटनीति। रणवीर के सामने हमें ऐसा नाटक करना चाहिए जिसे वो हमें शत्रु नहीं अपितु मित्र समझे। महामंत्री जी, ये नाटक तो हम पहले ही कर चुके हैं, परंतु मंत्रीवर हमें अपना मित्र मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक कह दिया है कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। महामंत्री जी, अब तो मेरा जीवन आप ही की शरण में है, आप ही की शरण में। नागराज, तुम बार बार इसी तरह कायरता का प्रदर्शन करते रहोगे तो रणवीर के पहले हम स्वयं तुम्हें नरक लोक में भेज देंगे। क्षमा करना महामंत्री जी, मुझसे भूल हो गई। अभी हमें एक ऐसी घातक योजना बनानी चाहिए जिसमें फंसकर रणवीर सदैव के लिए समाप्त हो जाए। महाराज, हमने एक नहीं सैकड़ों योजनाओं पर विचार किया, परंतु समझ नहीं आया कि रणवीर सिंह से छुटकारा कैसे पाया जाए। हमें इसके बारे में कुछ ठोस सोचना चाहिए। नागराज, तुम जाओ और रणवीर से कहो कि हमने उसे याद किया है। जो आ गया। हाँ। राजवीर जी, तुम जाकर अपना सिंहासन संभालो और हम रणवीर को मृत्यु के मुख का पथ एकांत में बड़े प्रेम से समझाएंगे। मंत्रीवर प्रणाम। कहो, क्या बुरा समाचार लाए हो? मंत्रीवर, आप सेवक को स्वयं से इतना दूर क्यों समझ रहे हैं? जब से आप ये महल छोड़कर गए हैं मंत्रीवर, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया होगा। मंत्रीवर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं पहले भी आपका सेवक था और आज भी आपका ही सेवक हूं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम किसकी सेवा कर रहे हो। हमारे महल छोड़कर जाते ही तुम उस राजवीर के सेवक हो गए जो कभी हमारे नीचे कार्य किया करता था। दास नहीं हुआ हूं मंत्रीवर, दास नहीं हुआ हूं, किंतु उस राजवीर सिंह की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यदि इस पापी पेट का प्रश्न ना होता तो
तो मैं कब का ये महल छोड़कर चला गया होता मंत्रीवर। मैं सच कह रहा हूं, आपको इस महल में देखकर मेरे नेत्र प्रसन्नता से छलक गए थे मंत्रीवर, और जो अब भी छलक रहे हैं। नागराज जैसा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। अपने लाभ के लिए ये नाग किसी को भी डस सकता है, परंतु ये नहीं जानता इसके विषैले दांत हम पहले ही उखाड़ चुके हैं। मंत्रीवर, अब मेरी सच्चाई की और अधिक परीक्षा मत लीजिए। आप देख लेना, समय आने पर ये सेवक आपके लिए अपने प्राण भी त्याग देगा। विश्वास कीजिए, महामंत्री जी ने अभी कुछ ही समय पूर्व मुझे अपने कक्ष में बुलाया था आपके बारे में जानने के लिए। मैंने उन्हें एक ही शब्द में उत्तर दे दिया। मैंने उनसे कहा, जैसे हनुमान जी के लिए भगवान राम थे, वैसे ही मेरे लिए मंत्रीवर भगवान राम जैसे हैं। तुम्हारी स्वामी भक्ति से हम प्रसन्न तो है नागराज, किंतु इतनी शीघ्रता से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, यदि तुम हमारे आदेश पर अपने प्राण त्याग सकते हो तो भरोसा किया जा सकता है। आप आदेश करें, आदेश करें मंत्रीवर। मैं अभी अपनी तलवार से स्वयं की गर्दन काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। अब तुम पर हमारा भरोसा लौटने लगा है, किंतु आज हम तुमसे तुम्हारे प्राण नहीं मांगेंगे। समय आने पर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी नागराज। अब बताओ, हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? इसके दो कारण है मंत्रीवर। एक तो मुझे आपकी कुशलता पूछनी थी, और दूसरा महामंत्री जी का संदेश आप तक पहुंचाना था। कैसा संदेश? महामंत्री जी ने किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए आपको याद किया है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम मंत्रीवर। रणवीर सिंह, तुम्हें अचानक महल में देखकर हम अति प्रसन्न हुए। आज तुम्हारे लौटने का शुभ समाचार लेके महाराज के पास हम स्वयं गए थे, किंतु किंतु क्या? हमारे महल लौटने का समाचार सुनकर क्या कहा महाराज ने? महाराज का कहना है कि तुम्हारे जैसे योद्धा के लौटने से उन्हें प्रसन्नता है, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है? किस बारे में देर हो चुकी है? महाराज का कहना है कि महल में अभी कोई भी पद रिक्त नहीं है। तभी महाराज को हमने तुम्हारे पूर्व मंत्री पद की याद दिलाई, महाराज मान गए। महाराज ने हमें आदेश दिया है कि महल में जैसे ही कोई पद रिक्त हो जाए, हम तुम्हें उच्च से उच्च पद पे असीम कर दें। ये कैसा न्याय है महाराज का? हमारा ही पद छीन कर हमारे ही सेवक को दे दिया, और हमारे लिए कोई पद रिक्त नहीं है। ये हमारा अपमान है। रणवीर सिंह कुछ भी सह सकता है, किंतु अपना अपमान नहीं। हम जानते थे कि महाराज की बात तुम्हें बुरी लगेगी, इसलिए महाराज को हमने समझाने का बहुत प्रयत्न किया। बड़ी कठिनाई के बाद महाराज को मनाने में हम सफल भी रहे, किंतु महाराज ने तुम्हारे मंत्री पद लौटाने के साथ साथ तुम्हें कठिन कार्य करने का आदेश भी दिया है। रणवीर सिंह के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप कार्य बताइए महामंत्री जी, उसे पूर्ण करने के पश्चात ही हम महाराज से मिलेंगे और कहेंगे कि महाराज, रणवीर सिंह इस महल में एक ऐसा अकेला योद्धा है जो इसकी सुरक्षा की बागडोर पूर्ण रूप से संभाल सकता है। यदि तुम ये कार्य करने में सफल हो गए तो महाराज अति प्रसन्न हो जाएंगे और पूरा राजकाज तुम्हें सौंप देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि तुम हमारे राजदार हो और पुराने विश्वास पात्र भी। आप हमें वो कार्य बताइए महामंत्री जी, अब हमारी दृष्टि केवल हमारे लक्ष्य पर होगी। तुम्हारा लक्ष्य है एक युवराज जो पूर्व दिशा से अपने एक साथी के साथ
रूपनगर की सीमाओं की तरफ कूच कर रहा है। तुम्हें उसे रूपनगर की सीमाओं में प्रवेश करने से पूर्व ही रोकना है और समाप्त करना है। यदि तुम ये कार्य करने में सफल हो गए तो तुम्हें तुम्हारा सम्मान लौटा दिया जाएगा। आप महाराज तक हमारा ये संदेश पहुंचा दीजिएगा। रणवीर सिंह इस बार महल में उस युवराज का शव लेकर ही लौटेंगे। क्या महामंत्री ने रणवीर सिंह को महल में रहने की अनुमति दे दी है? अनुमति ही नहीं, अपितु रणवीर सिंह को खोया हुआ पद वापस लौटाने का भी वचन दे दिया है। तो वीरेंद्र सिंह हमारे साथ छल कपट पर उतर आया है। हमारे सामने आते ही रणवीर सिंह को कोसता है और रणवीर सिंह के सामने जाते ही उसके गुण गाने लगता है। समझ में नहीं आता कि महामंत्री किसका साथ दे रहे हैं। महामहिम, साथ तो वो आप ही का दे रहे हैं, अपितु अपने प्राण बचाने के लिए वो मंत्रीवर को बहला रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि महामंत्री जी को अपनी पोल खुल जाने का भय है। कैसी पोल खुल जाने का भय है नागराज? महामहिम, मंत्रीवर के पास महामंत्री जी के कुछ ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें यदि वो महाराज के सामने खोल दे तो महामंत्री जी को अपने प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे। इसलिए महामहिम, वो मंत्रीवर को प्रसन्न करने के लिए पद का लालच दे रहे हैं। यदि रणवीर सिंह लालच में आ गया तो महामंत्री जी क्या करेंगे? करेंगे क्या महामहिम, उन्होंने ये लालच देकर अपनी चाल तो चल भी दी है। अब रणवीर सिंह को भानु प्रताप सिंह और उसके साथियों को खोजने के लिए जंगल में जाना होगा, और जैसे ही वो जंगल में पहुंचेंगे महामंत्री जी पीछे से आक्रमण करके रणवीर सिंह के जीवन को सदैव के लिए समाप्त कर देंगे, उसको चिर निद्रा में लीन कर देंगे। अब कहिए महामहिम, सेवक का ये समाचार आपको कैसा लगा? समाचार तो शुभ है, परंतु अब हमारा विश्वास महामंत्री पर नहीं रहा। वो कभी भी हमें सत्ता पे से हटाकर रणवीर सिंह को सत्ता पर बिठा सकता है। इसलिए हमें एक काम करना होगा। जब रणवीर सिंह जंगल में जाएगा तो हम पीछे से आक्रमण करके उसे समाप्त कर देंगे। हमारे सिंहासन की लड़ाई सदैव समाप्त हो जाएगी। महामहिम, महामहिम, क्या दूर की कौड़ी लाए हैं आप? एक तीर से दो दो शिकार। रणवीर सिंह के जीवन को समाप्त आप करेंगे और उनकी हत्या का आरोप लगेगा उस अभागे युवराज भानु प्रताप सिंह पर। सोरावर, अब हमारा उत्साह टूटने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी डगर अभी भी बहुत दूर है। हमें लगता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारी आयु इस जंगल की खाक छानते छानते बीत जाएगी। सरकार, आप बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं। है? भला ये आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट के सामने ये तुच्छ जंगल क्या है? आप अपने आप को पहचानिए सरकार, आप बली हैं, बली, महाबली भानु प्रताप सिंह। महाबली तो हम हैं सोरावर, पर दो दिनों से ना हमें अन्न प्राप्त हुआ है और ना ही जल। महाबली भूखे प्यासे अपने पैरों पर कब तक चलते जाएंगे? जब तक आपको चंद्रमुखी जी के दर्शन नहीं हो जाते। जब आप चंद्रमुखी जी को महारानी बनाकर अलकापुरी लौटेंगे तब देखिएगा आपका किस प्रकार भव्य स्वागत होगा, जैसे सीता मैया और रामचंद्र जी का हुआ था। चुप रहो तुम। तुम क्या अपनी तुलना लक्ष्मण जी से कर रहे हो? याद रखो, तुम हमारे एक अदने से सैनिक हो। अपनी खाल में बने रहो, वरना तुम्हें यही गाड़ देंगे। क्षमा, क्षमा सरकार, क्षमा, मैं तो आपका एक तुच्छ सा सेवक हूँ। सरकार, कोई महापुरुष चले आ रहे हैं।
वो महापुरुष कोई मायावी शक्ति भी तो हो सकता है। एक काम करते हैं सरकार, दिशा बदलकर निकल चलते हैं। नहीं, पीछे मुड़ना हमें पसंद नहीं है। चलो चलकर देखते हैं कि वो महापुरुष कौन है और उसमें कितनी शक्ति है। हो सकता है कि वो हमारी कोई सहायता भी कर सके। चलो। प्रणाम महर्षि जी। प्रसन्न रहो वत्स। ये हमारे युवराज हैं, अलकापुरी युवराज भानु प्रताप सिंह, और मैं इनका सेवक जोरावर सिंह। हम पथ भटक गए हैं। वो तो दिखाई दे रहा है वत्स। किंतु युवराज, राजमहल छोड़कर वनों में भटकने का क्या कारण है? कारण है राजकुमारी चंद्रमुखी। हम राजकुमारी चंद्रमुखी के राज्य में पहुंचना चाहते हैं। उचित मार्गदर्शन दीजिए ताकि हम शीघ्र से शीघ्र रूपनगर पहुंच सके। मार्गदर्शन तो हम कर सकते हैं वत्स, किंतु रूपनगर पहुंचना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। युवराज भानु प्रताप सिंह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो केवल वन है। यदि चंद्रमुखी पाताल लोक में भी होती तो हम वहां भी पहुंच जाते। आप केवल मार्गदर्शन दीजिए महर्षि जी। अधिक उत्साह में देख भ्रमित मत हो जाना वत्स। राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने के लिए संसार की चाहो दिशाओं से राजा महाराजा युवराज गए तो, किंतु वापस नहीं लौटे। या तो उन्हें पथ पर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, या फिर रूपनगर के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए। मुझे स्मरण है, एक युवराज अपने भाई को खोजता हुआ इसी वन में भटकता हुआ मिला था। वो अपने भाई तक ईश्वर जाने कब पहुंचेगा, किंतु हमें इतना अवश्य ज्ञात है कि उसका भाई विजेंद्र प्रताप सिंह आज भी रूपनगर में बंधक है। मन की बात।